फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप फ्रेंड आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड। और आज है मंडे का दिन और आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग, आप लोग बताइएगा ज़रूर। और आज है मंडे का दिन। हाँ आज है मंडे का दिन और अभी बजने वाले हैं शाम के 5, हाँ 5 या 5:30 बज चुके होंगे फ्रेंड। और मैं हूँ, जैसा कि आप लोग देख के समझ ही गए होंगे, मैं अभी अपने किचन में हूँ और खाने की तैयारी हो रही है शाम के। और आज मैं खाने में क्या बनाने वाली हूँ डिनर में फ्रेंड, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और देखिए ये लहसुन और प्याज लेके बैठी हूँ और आज मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चिकन। और आज मैं चिकन बनाऊंगी और मैं कैसे चिकन बनाती हूँ, और शायद मैं अपने ब्लॉग में मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ चिकन की रेसिपी। ये रेसिपी क्या शेयर करूँगी, हाँ रेसिपी ही शेयर करूँगी अपने ब्लॉग में। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में लास्ट तक रहिएगा फ्रेंड, और मैं अपने तरीके से कैसे चिकन बनाती हूँ सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे पता है कि कुछ लोगों को पसंद होगा और कुछ लोगों को पसंद नहीं होगा, तो जिन्हें नहीं पसंद है वो लोग मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी और कि क्या दिखा सकते हैं फ्रेंड। और यही किचन का ही आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो हम लोगों की लाइफ स्टाइल है वही आप लोगों को दिखा सकते हैं। हम क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं और सारे दिन क्या कर रहे हैं, वही दिखाएंगे आप लोगों को ना। तो अभी तो आइए, अभी हम तैयारी कर ले रहे हैं, लहसुन और प्याज को छील ले रहे हैं और फिर उसके बाद का प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो ठीक है फ्रेंड, आइए अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे कठिन काम मुझे यही लगता है ये लहसुन को छीलना, और कई ट्रिक हैं लहसुन की छीलने की, तो मैं ज़्यादा वो तामझाम नहीं करती हूँ, बस सीधे से लहसुन को छील के, देखिए ऐसे लहसुन को छील लेती हूँ, अलग अलग कर लेती हूँ उसके गांठ से, और फिर ये सूती वाला बोरा है उसी पे पकड़ के रगड़ देती हूँ तो लहसुन साफ़ हो जाता है। और ट्रिक तो फ्रेंड बहुत से हैं लहसुन को छीलने का, तो मैं यही ट्रिक अपनाती हूँ कि ऐसे सारे लहसुन को ऐसे अलग कर लूँगी उसके गांठ से और सूती वाले बोरे पे पकड़ के रगड़ दूँगी, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, और फिर उसके बाद चाकू से साफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड टाइम तो बहुत लगता है लहसुन को छीलने में, मगर अकेली हूँ तो सब कुछ मैनेज करना ही है, कोई बच्चे अभी छोटे हैं और कोई मतलब किचन में हेल्प करने वाला है ही नहीं। तो ठीक है फ्रेंड, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं चिकन कैसे बनाती हूँ। अभी चिकन को भी तैयार करना है, देखिए यहाँ पर ला के रखे हुए हैं चिकन को। और आज को मंडे का दिन है तो कुछ लोगों को मतलब चिकन खाना पसंद नहीं होगा मंडे के दिन, तो मैं हम क्या करें फ्रेंड, आज के दिन ही हस्बैंड जी का छुट्टी रहता है तो आज के दिन ही उन्हें मौका रहता है लाने का, तो आज के दिन ही वो लाते हैं, तो आज के दिन बनाना ही पड़ता है। और बाकी पूरे हफ्ते तो उन्हें टाइम रहता नहीं है कि लाएँ चिकन बने, और अंडा वगैरह आ जाता है बीच बीच में बन जाता है, या कभी रिश्तेदार वगैरह आ जाते हैं तो मछली वगैरह मछली ला के मंगवा के मैं बना देती हूँ, और नहीं तो वैसे तो फिर मंडे को ही बनता है। तो ठीक है फ्रेंड, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और मैं जा रही हूँ, अभी ज़्यादा टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ अभी बनाने। और फ्रेंड अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर देखिए ये है तड़के वाली प्याज और इसमें तेज़पत्ता है, लहसुन है, प्याज है, और इधर चिकन हमारा रेडी हो गया है, और अब आगे की कमान संभालेंगे हमारे सिम्बी के पापा। तो आज इनका मंडे है तो आज छुट्टी थी, तो आज इनका मूड हो गया किचन में
चिकन बनाने का, तो कह रहे हैं कि लाइए आज हम बनाएंगे, तो मैं कही ठीक है बनाइए, तब तक मैं दूसरा काम कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर ये बैठ गए हैं बनाने के लिए, और यहाँ तेल डाल दिए हैं कुकर में, और फिर उसके बाद डाल दिए हैं तड़के वाली प्याज फ्रेंड, और उसमें तेज पत्ता है और लहसुन है, और मैं डालती हूँ तो लहसुन नहीं डालती हूँ, और अभी ये गांठ वाला लहसुन भी डालेंगे। और इधर चिकन है हमारा, और मैंने इसे काट के धुल के रेडी कर लिया है। और क्या फ्रेंड, हम लोग ज़्यादा मतलब कटवा के मार्केट से नहीं लाते हैं, घर में ही ला के काटती हूँ, मैं ही काटती हूँ। और देखिए इधर मैंने काट के और धुल के रेडी कर ली हूँ चिकन को, और यहाँ पर ये बैठे हैं और बना रहे हैं चिकन, और कह रहे हैं कि खड़े मेज पे रख के क्यों नहीं बना रही हूँ मैं, कहीं ये ठंडी लग रही है ज़्यादा, और बैठ के ही बनाएंगे। और तो कह रहे हैं कि ठीक है चलो, तो ये बैठ के बना नहीं पाते हैं, तो वैसे तो कभी इनका मन होता नहीं है किचन में आने का, आज छुट्टी है पता नहीं क्या इनका मन हुआ आने का किचन में, तो आज आ गए हैं चिकन बनाने के लिए। और यहाँ पर फ्रेंड हमारा है मसाला, और यहाँ पे लहसुन और प्याज को मिक्सी में पीस ली हूँ, और ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं बनाती हूँ, ऐसा देखिए थोड़ा दरदरा ही रहता है। और फिर उसके बाद है गरम मसाला डाली हूँ, और मिर्च को लाल मिर्च है जो, उसे मैं पीसना भूल गई थी, तो बाद में ही मैं उसे लाल मिर्च को तोड़ के डाली हूँ, और कश्मीरी मिर्च तो डाली हूँ, मगर कश्मीरी मिर्च से तीखापन नहीं आता है फ्रेंड, कश्मीरी मिर्च डालने से खाली कलर आता है चिकन का। तो और हल्दी नमक वगैरह जो डालना था वो इसमें मैं डाल के, और अदरक वदरक अदरक का पेस्ट सब कुछ डाल के इधर मसाला रेडी कर ली हूँ, और चिकन उधर भून रहा है। और इधर देखिए ये आ गई हैं लाडो रानी, और शाम का टाइम हो गया है, तो देखिए कितना एटीट्यूड दिखा रही है, मैं कह रही हूँ सिंपी देखो तो देख नहीं रही है, देखिए इसका एटीट्यूड कैसे 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 मुंह बनाएगी अभी, और अपना सारा बाल खोल के पीछे का बंधा हुआ था चेहरे पे झुला ली है, और जा रही है सोने की तैयारी है, आइए देखने के लिए कि चिकन बना है कि नहीं। तो वैसे ये लोग बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं, और सिंपी वेट करते करते सो गई थी, हल्का फुल्का खा लेंगे। और इधर ये बैठे हैं बनाने के लिए, तो ऑफिस से इनके कॉल आ गई थी, तो ये वही बात कर रहे हैं, और फ़ोन बच्चों के पास था तो बच्चे फ़ोन देते नहीं हैं, किसी का भी कॉल आएगा बच्चों के पास रहेगा, गेम वगैरह खेलते रहेंगे, कार्टून देखते रहेंगे, तो ये लोग देते नहीं हैं, कहते हैं कि पापा कंपनी का फ़ोन है, और फ़ोन कट कर देते हैं, तो ज़बरदस्ती से इन्होंने मांगा है तो ला के दिए हैं। और इधर देखिए मटन हमारा मसाले में भून चुका है, वो सॉरी मटन कह रहे हैं, चिकन हमारा मसाले में भून चुका है और पक भी गया है, तो थोड़ा सा ऐसे ही निकाल ले रहे हैं मतलब टेस्ट करने के लिए। और उसके बाद इधर बन रहा है चावल, और ये चावल किरण के यहाँ से आया था, नया चावल है, तो ये कह रहे हैं कि सिंपी के पापा कह रहे हैं कि चिकन बिरयानी बनाओ, मैं कहीं आज नहीं बनाऊंगी, आज लेट हो गया है, किसी और दिन चिकन बिरयानी बनाऊंगी। और इधर नए चावल का फ्रेंड चावल नए चावल का बहुत अच्छा लगता है चावल खाने में, तो यही बन रहा है, और फिर इसके बाद रोटी बनाऊंगी। यहाँ टेस्ट करने के लिए निकाल दी हूँ, क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं, तो ये इतना निकाल दी हूँ, थाली वाला है जो बच्चों के लिए है, और ये इनके पापा के लिए है, तो इतना टेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद ग्रेवी वगैरह बनेगा। तो चावल हो गया है, और एक तरफ रोटियां सेकेंगे और एक तरफ खाएंगे, और इधर इतना दे दे रही हूँ बच्चों के लिए। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।